हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टैरो टेक्समो मोटर का कंपनी वाइनिंग डेटा क्या है। ये मेरे पास अभी 0.37 किलोवाट यानी आधा एचपी का 1420 आरपीएम का मोटर है। तो इसका जो वाइनिंग डेटा है वो क्या है, इसमें दो कंडेंसर लगे हैं, एक है स्टार्टिंग एक है रनिंग। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कंडेंसर इस मोटर में लगे हुए होते हैं। मोटर के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा हुआ होता है जो स्टार्टिंग कंडेंसर की सप्लाई को काट देता है रनिंग होने के बाद। तो इस मोटर का जो जलने का रीजन है वो क्या है, इसमें आपको जो वायर दिखाई दे रहे हैं वो कंपनी की वाइनिंग है। और इस मोटर का जलने का जो रीज़न है वो पानी की वजह से, ये मोटर है वो जल चुकी है, इसमें पानी चला गया फिर मोटर को चला दिया गया, इस कारण ये मोटर है वो जल गई। तो आज हम इसमें जानेंगे कि इसकी जो वाइनिंग है वो कितने नंबर वायर से हुई है, कितने के पिच में है, रनिंग में कौन सा है, स्टार्टिंग में कौन सा है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्किप करोगे तो पूरा डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो पहले हम स्टार्टिंग को देखेंगे, स्टार्टिंग के जो वायर है वो निकालेंगे। तो स्टार्टिंग के कितने के सेट हैं वो हम पहले काउंट कर लेते हैं। तो एक सेट को मैं ऊपर की ओर उठा लेता हूँ। ऊपर की ओर उठाने के बाद हमें पता चला है कि इसमें दो के सेट निकले हैं, यानी कि दो कॉइल्स के स्टार्टिंग के सेट हैं। और इसका जो पिच है वो भी हम देखेंगे कि जो दो के सेट इसमें डले हैं वो कितने के पिच में हैं। तो पिच भी हम जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे मैं पिच है वो काउंट करके आपको बताऊँगा कि कितने के पिच में है, और लास्ट में आपको पूरा डेटा बताऊँगा कि कितने के पिच में है, कितने टर्न हैं। तो यहाँ से हम पिच काउंट करते हैं, तो चलो काउंट करते हैं। तो यहाँ से काउंट करने पर हमको जो पिच मिले हैं वो मिले हैं 1 से 8। 1 से 8 में वो ये स्टार्टिंग जो वाइनिंग है 1 से 8 से शुरू है और 1 से 10 में। तो स्टार्टिंग का जो वायर का गेज है वो भी आपको वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा और रनिंग का भी मिल जाएगा। तो पहले हम स्टार्टिंग की जो कॉइल्स हैं वो निकाल लेंगे, पूरा स्टार्टिंग का जो कॉइल है पूरा निकालेंगे, फिर हम इसकी जो रनिंग का कनेक्शन देखने वाले, रनिंग का कनेक्शन किस तरह से है वो भी जानेंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग कॉइल्स को निकाल लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग कॉइल्स को अलग से निकाल दिया है, पूरा कॉइल्स को निकाल दिया है। अब हमारे पास बचा है रनिंग कॉइल। रनिंग कॉइल का जो आपको दिखाई दे रहा है रनिंग कॉइल, इसमें 3 के सेट हैं, यानी कि 3 कॉइल्स के इसमें सेट डले हुए हैं। और इसका जो कनेक्शन होता है दोस्तों वो सीरीज में होता है। तो पहले हम इस कॉइल को भी निकालेंगे। तो इससे पहले हम एक बार इसका जो कनेक्शन है वो देख लेते हैं कि इसका कनेक्शन सीरीज में है ये कैसे है। तो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये सीरीज का जो कनेक्शन है, ये देखिए सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज का कनेक्शन है इसमें। ये देखिए सीरीज में सभी कॉइल्स में वायर को घुमाया गया है, यानी 1 से 3 में कनेक्शन है। तो सीरीज में ये कनेक्शन है। रनिंग कॉइल को भी निकाल लेता हूँ। रनिंग कॉइल को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके पिच काउंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर पिच काउंट कर लेता हूँ। तो इसके जो पिच आएंगे वो आएंगे 36, क्योंकि ये मोटर 36 स्लॉट का है। 36 स्लॉट का जो मोटर है ये टैरो टेक्समो मोटर है। अब बात करते हैं इसका वाइंडिंग डेटा की पूरी कंप्लीट जानकारी। ये टैरो टेक्समो 0.37 किलोवाट है, आरपीएम 1420 है, एम्पियर है 2.7, और रनिंग का जो पिच है वो 1 से 9 में 65 टर्न है, 1 से 7 में 65 टर्न है, 1 से 5 में 65 टर्न है, और 1 से 8 में स्टार्टिंग है उसका 115 टर्न है, और 1 से 10 में 58 टर्न है स्टार्टिंग में। और वायर का गेज रनिंग का 23 नंबर है और स्टार्टिंग का 26 नंबर वायर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।